उमेश भाई एमपी में कहाँ से तुम? एमपी यूपी की बॉर्डर से, चलो यूपी का ही मान लेते चला स्टार्ट कर स्टार्ट करो भाई नहीं नहीं अरे कैसे क्या कर रहे हैं स्टार्ट सो रेडी या सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन हम चार अरे भैया साइलेंस होगा क्या करें थोड़ा सा तो मुझे लगा ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं हां नहीं नहीं स्टार्ट करते हैं लाल तेल की फिर से स्टार्ट करते हैं या सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन हम चार फिर साथ क्या कुछ मस्ती है और कितने एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर देख लीजिए आप बहुत बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग ऑब्वियसली हम सबकी पहली फिल्म है और हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं बहुत एक्साइटिंग फिल्म है तो इसलिए भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी है तो बहुत हर जगह सब एक्साइटमेंट 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 ही है अब अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करें हाँ एग्जैक्टली सब कुछ इतना इवन हमारे कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है एक्साइटिंग है और डेफिनेटली एज एन एक्टर आप सोचते नहीं हो कि यू नो यू टेक मेक एन एंट्री इन द फिल्म इंडस्ट्री विद राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म तो वो भी बहुत ही एक्साइटिंग बात है तो डेफिनेटली वी आर सुपर एक्साइटेड और अब तो बहुत कम टाइम बाकी है तो दैट आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट कि आपको कैसी लगेगी फिल्म सबसे पहली बात यह है कि ये इस देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है राजश्री फिल्म्स अब उसके आप हीरो हो अब उसकी पिक्चर आ रही है इतने टाइम बाद तो इससे बड़ी और बात कुछ हो ही नहीं सकती किसी भी एक्टर के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट फील होता है कि उन्होंने इस काबिल समझा कि हम इस फिल्म के इस किरदार को निभा पाएंगे एंड वी आर रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी एंड वी रिस्पेक्ट एवरीबडी एट राजश्री बिकॉज उन्होंने एक न्यू कमर्स जो प्लेटफॉर्म दिया है वो आई थिंक आज ज़्यादा लोग करते नहीं है सो इट्स अ बिग बिग थैंक यू टू देम कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े और आपसे बात कर रहे हैं यार सबसे पहली बात तो है कि जो अभी जो समय चल रहा है ना पिक्चर आने वाली है और उससे एक हफ़्ता पहले हैं आई थिंक जो लोग ऐसे कदम रख रहे हैं हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और जो एक्सपीरियंस है ना शायद समझ में कुछ हफ्ते बाद आएगा कि यार ये क्या बीत गया और अभी जो ये फ्राइडे का इंतज़ार है उसका तो वो तो सबसे बड़ी चीज़ है पूरी फिल्म इस चीज़ के लिए बनाई कि लोगों तक पहुँचे और बहुत ही खुशी की बात है कि हम इस मुकाम पर आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं लोगों से तो अभी तो शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है बट सब हो रहा है अभी सब बहुत अच्छा 15 फरवरी अब बताएगा क्या होगा 15 फरवरी बताएगा क्या होगा और उम्मीद करते हैं कि वो 15 फरवरी के बाद पिक्चर चलती रहे हफ्तों एक दो और लोग देखें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ तो क्या कुछ कहानी है हमचार की काफी कुछ ट्रेलर बता काफी कुछ बयां करता है फिर भी अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे हमचार स्टोरी कैसी तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये दोस्तों की दोस्ती के ऊपर है और दोस्ती के एक समय के ऊपर नहीं है दोस्ती जो आइडिया है जिस तरीके से हमारे लिए दोस्त क्या हैं उस चीज़ के ऊपर है और पिक्चर दो समय पे सेट है तो हम कॉलेज के समय पे भी हैं और 5-7 साल आगे बीत जाता है और वो 5-7 साल करीबन 10 साल का ऐसा फीलिंग देता है कि इतना सेपरेशन हो गया है और ये बहुत स्ट्रेट लाइन की कहानी है जहाँ दोस्त हैं और दोस्त बिछड़ जाते हैं और कैसे क्या उनके साथ होता है और उनकी लाइफ कैसे बीतती है और एसेंस दोस्ती का क्या है दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में और कहानी से ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है जो कि हम सब अपनी ज़िंदगी अपने दोस्तों के साथ महसूस कर चुके हैं और ये उसी चीज़ को और फोर्सफुली सामने लाता है और एक नया चीज़ दिया है जो हम टैगलाइन है हमारी फिल्म का फ्रेंड्स भी फैमिली है तो जिस तरीके से हमने दोस्तों को कभी फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते हैं रिलेटिव्स एंड फैमिली यू नो हमने कभी दोस्तों को वाला दर्जा नहीं दिया जो हम परिवार को देते हैं लेकिन आज के समय में परिवार के बराबर ही है दोस्त जब हम दोस्तों के साथ होते हैं जब जिन शहरों में होते हैं जहाँ दोस्त हैं हमारे साथ परिवार नहीं है तो दोस्त वो जगह ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार दोस्त को भी वही हैसियत है जो हम परिवार को देते हैं उमेश भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शायद ही ऐसा कोई होता है जिनका कोई दोस्त नहीं होता अलग अलग शायद शहरों में रहते हो दूर हो जाते एक दूसरे से बातें कम हो जाती है लेकिन जब भी आप अपने पुराने दिनों को याद करते हो तो वो बॉन्ड उतना ही ताज़ा होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं इस फिल्म में स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन उस सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक इमोशन जो नॉस्टैल्जिया है कि जब आप अपने हॉस्टल के या कॉलेज के दिनों को याद करते हो स्कूल के दिनों को याद करते हो अपनी मस्ती को याद करते हो तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनकी आँखें नम नहीं होगी
तो इस पावरफुल इमोशन पर ये बेस्ड है. और एक सिंपल लाइन है कि देर आर नो गुड बाइज इन फ्रेंडशिप. तो चाहे आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, शायद कभी एक ईगो भी आ जाता है यार कि वो फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, मैं उसे क्यों फ़ोन करूँ, वो पहले मैसेज क्यों नहीं करता मुझे, तो ये हमेशा बीच में आ जाती है बातें. और इस सबसे कैसे आगे बढ़ के दोस्त फिर भी मिल जाते हैं चौराहे पे जहाँ से अलग हुए थे, तो उस बारे में ये फिल्म है. आई थिंक लाइक तुषार ने भी बोला कि ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से ज़्यादा इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एट लार्ज, जिसकी वजह से आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ सच अ ह्यूज थीम कि बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ऑल्सो इसमें फ्रेंडशिप वो सिर्फ उस बारे में नहीं है कि जब आप कॉलेज में साथ हैं और मस्ती हो रही है और यू नो, तब तो मतलब सब साथ ही पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, तो यू नो फ्रेंडशिप है और रोज़ मिल रहे हैं. पर आई थिंक इट ऑल्सो शोज़ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में और मैच्योर करते हैं टाइम के साथ, वैसे ही हमारी इक्वेशंस हमारे फ्रेंड्स के साथ भी मैच्योर करते हैं और इवॉल्व करते हैं. तो हमें आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कॉलेज वाली मस्ती वाली फ्रेंडशिप, बट ऑल्सो जब यू नो व्हेन यू ग्रो अप एंड योर फ्रेंडशिप ऑल्सो ग्रोज विथ दैट. तो या दैट्स इट आई थिंक. सब कुछ तो बोल दिया इन लोगों ने, अभी बचा क्या. मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ. मेरा कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसका नाम अबीर खान है, कानपुर का है वो, यूपी का. और मतलब इस दुनिया का सबसे सीधा भोला प्यारा लड़का है, सब कुछ हमें अम्मी अब्बू की बात मानता है. उसको डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टरी ख़त्म करनी है अपनी, उसके प्यारे दोस्त हैं और बाकी तो अब पिक्चर देख के आपको समझ आ जाएगा. सो अगर बात करो सूरज सर की, सूरज बढ़ जाता है जो कि अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, पैन फिल्में, ये नया स्टेप है उनके लिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाती है जब इस तरह की कोई फिल्म राष्ट्रीय प्रोड्यूस कर रही है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी फैमिली पे ही है. हाँ ये भी फैमिली पे है, फैमिली बड़ी हो गई और इंक्लूसिव हो गई है. अभी तुषार भाई और ये प्रीत ज़्यादा बेटर बता पाए. शुरू कर ट्रेनिंग कर गया है लोग. देखिए सिंपल चीज़ है कि राजश्री इज़ नोन फॉर मेकिंग फिल्म दैट आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस, इंडियन वैल्यूज़. और कहीं ना कहीं हम समय के साथ आगे बढ़ चुके हैं, और लेकिन हमें साथ ही साथ अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए. और राजश्री फिल्म यही कहना चाहता है हमारी फिल्म से कि हम शायद समय के साथ आगे बढ़े हैं, हम एक नई तरह की फिल्म बना रहे हैं एक नए एलिमेंट के साथ, लेकिन हमारे रूट्स उतने ही स्ट्रॉन्ग है. जो हमारी फिल्म जब आप देखोगे तो वो एक यंगस्टर भी रिलेट करेगा और कोई 50-60 साल का आदमी भी रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा थीम बहुत ही एक ऐसी थीम है जो सबके दिल को छू जाती है. और राजश्री की फिल्में आप कोई भी देख लो वो सारी दिल को छूती है. सो दैट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट. ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट, आई थिंक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात की वो राजश्री प्रोडक्शंस इतना बड़ा और प्रेस्टिजियस आई थिंक नाम है कि ऑल्दो उन्होंने कभी हम पे कोई प्रेशर नहीं डाला अबाउट यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी, पर आई थिंक वो एक सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हम सब के मन में है, क्योंकि वी हैव टू लिव अप टू उनका. उन्होंने हमें जो फेथ, हाँ मतलब चार न्यू कमर्स में उन्होंने उस स्ट्रेचर पे होके फेथ अगर रखा है, तो आई थिंक हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आ जाती है कि वी हैव टू डिलीवर. ऑल्सो सूरज सर, हमें शूट पर जाने से पहले सूरज सर ने द ओनली एडवाइस ही गेव अस वाज कि आप इन्जॉय करना फिल्मिंग प्रोसेस. तो आई थिंक दैट कमिंग फ्रॉम हिम वाज अ बिग एनकरेजमेंट कि हम अच्छे से फिल्म कर पाए इस फिल्म को. अंशुमन, बात करो फ्रेंडशिप की, तो क्या डेफिनेशन है फ्रेंडशिप की? लोग काफी दूर हैं, क्या कुछ डेफिनेशन है आपकी तरफ से? पर देखिए सर, फैमिली के साथ भी क्या होता है ना, हम लोग जैसे काम पे रहते हैं कितने दिनों. अभी मैं 2-3 दिन पहले ही इंसिडेंट हुआ, मेरी मॉम शी वाज रियली अपसेट कि मैं घर नहीं आ पाया हूँ इतने टाइम से, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है. पर उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हमारे रिश्ते में, जितना प्यार है वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ ही रहेंगी. वैसे ही फ्रेंड्स के साथ है. दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू टेल यू गाइज, हालांकि सबको पता भी है बट वी आर हाईलाइटिंग इट कि फ्रेंड्स भी फैमिली हैं, क्योंकि उनसे भी आप कभी कितने कितने महीने नहीं मिलते, कितने कितने साल हो जाते हैं कभी कभी नहीं मिलते, पर प्यार हमेशा उतना ही रहता है. जब आप 4 साल के बाद भी मिलोगे तो वैसे ही मिलोगे जहाँ छोड़ के गए थे वैसे ही, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा. सो अभी मेरे लिए दोस्ती वो है. क्या कुछ रहा सेट पे, माहौल क्या रहा, कितनी मस्ती रही थी चारों साथ यंग? बस मस्ती, बहुत सारा काम, बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारी और हार्ड मस्ती, और बस यही किया है हम लोगों ने सेट पे. हाँ ये तो आप कैसे पता सिंगल है? सिंगर की सिंगल
सिंगर तो बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत बुरा गाती है। एक लड़की है, एक लड़की, हाँ मतलब इकलौती लड़की हूँ। मेरे को लगा वो भाई ने ऐसे ही इंटरव्यू देते थे, पूछ लिया आप सिंगल हैं ऐसे कैसे। चलो जवाब तो मिल गया। ये बॉय नहीं, आई थिंक डेफिनेटली हमने बहुत मज़े किए सेट पे, और सही मायने में फ्रेंड्स भी फैमिली है जो टैगलाइन है हमारे फिल्म की, वो हमने एक्सपीरियंस किया क्योंकि इतने सारे अच्छे लोगों से हमें मिलने का मौका मिला इस फिल्म के थ्रू, और वो सब दोस्त बन गए और वो सब फैमिली बन गए, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया हमें। व्हाट डू यू वांट टू से? सेम क्वेश्चन वापस, मस्ती क्या किया था? मस्ती ऐसे पूरी मस्ती कहाँ नहीं की थी हमने, क्योंकि हम जब सीरियस फेज में भी थे ना तब भी हमारी मस्ती चालू थी। तो फिल्म के अंदर दो फेजेस है, जहाँ पे एक बहुत ही खुशमिजाज से हम सब सारे कॉलेज में, और एक दूसरा जहाँ पे हम थोड़े दुखी हो जाते, लेकिन वो ऑफ स्क्रीन कभी लगा ही नहीं कि हम दुखी थे, क्योंकि इतनी मस्ती चलती थी। और हमारे जो डायरेक्टर है वो बहुत ही नटखट है, वो कृष्ण कन्हैया है हमारे, तो वो बिना मस्ती के तो रह नहीं पाते, तो उनके साथ साथ हम भी मस्ती कर लेते थे। जी, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने चाहने वाले को, और जो अभी फैंस बनने वाले उन्हें? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि एक पिक्चर हम लेके आए हैं और वो बहुत अच्छा समय है दोस्ती प्यार का, जैसे हम वैलेंटाइन डे और पूरे हफ्ते को जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो एक मौका दीजिए, आके देखिए पिक्चर उस बारे में जिस बारे में ये हफ्ता सेलिब्रेट किया जाता है। और एक तरीके से वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग अनदर एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप, सिर्फ रोमांस नहीं होता, प्यार दोस्तों में भी प्यार है, और वो किस तरीके से ट्रांसलेट होता है ज़िंदगी में, और वो एक रिश्ता है जो हमेशा रहता है, एक परिवार और एक दोस्त, तो उसी चीज़ को लेने की रखने की कोशिश करी गई है। और सच में बहुत ऑनेस्टी के साथ हमने काम किया है, और इस फिल्म में सिर्फ हम चार नहीं, बहुत सारे लोगों की पहली फिल्म है, DOP, डायरेक्टर और करीबन 18 लोग हैं जो कि डेब्यू इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो एनर्जी भी माहौल भी रहा पूरी फिल्म में, सबने एक साथ अपनी फिल्म बनाने की कोशिश करी, सबने जुनून से कि यार ये हमारी फिल्म है ना, मैं सिर्फ अपना पार्ट नहीं कर रहा हूँ, हम सब ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि सब उस विषय के साथ जुड़े हुए थे और सब मानते हैं उस बात को। और आई थिंक इसलिए सूरज सर और अभिषेक सर ने ना ये नरेशन सबको दिया था फिल्म का, ऐसा नहीं था कि आप फिल्म में आए और आपको पता नहीं फिल्म किस बारे में, क्योंकि आप अलग डिपार्टमेंट से हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रहा कि सब इस पिक्चर के लिए काम कर रहे थे, इस आइडिया के लिए काम कर रहे थे, तो हमने तो अपना काम कर लिया, अभी हम चाहते हैं कि आप लोग आइए और देखिए, और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो और दोस्तों को बताइए वो भी देखें। सिंपल चीज़ है कि हमारे जो किरदार है फिल्म में वो आप में से ही कोई एक है, तुषार पांडे अगर सूरजो प्ले कर रहा है, या अंशुमन अबीर प्ले कर रहा है, सिमरन मंजरी प्ले कर रही है, या मैं नमित प्ले कर रहा हूँ, तो ये हम चार जो है वो आप में से ही कोई एक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप फिल्म देखें और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें, और हमारे किरदारों के साथ आप प्यार में पड़ जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा। मेरी ना मम्मी मुझे कहते हैं कि जब भी एनीथिंग इन लाइफ अगर आप ऑनेस्टी से करो तो वो जिसके लिए कर रहे हो या जो अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो वो सामने वाले तक पहुंच जाता है। तो आई थिंक इस फिल्म पे जितने भी लोग हैं हमने बहुत ऑनेस्टी से ये कोशिश की है कि जो डायरेक्टर का विजन है और जो कहानी है वो अच्छी तरह से हम एक्टिंग और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू आप तक पहुँचा पाएँ। तो बस अब हमने कर दिया जो करना था, तो अब आई जस्ट होप कि आप जब जाएँ और पिक्चर देखें, और प्लीज़ देखें, 15th February को आ रही है, तो आपको बहुत बहुत अच्छी लगे और आपको हम सब पसंद आए। मुझे मालूम है तुम सबके पास बहुत समय है, अभी टिकट ले लेना, पिक्चर देखने 15 फरवरी को आ जाना, हम चार, बहुत प्यारी कहानी है, बस लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।